आप सबको देना चाहेंगे। महाराष्ट्र में मंदिर मस्जिद का ये विवाद, लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के पाठ का ये विवाद कहां पहुंच गया है जरा जान लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि काली माता मंदिर के पास खालिस्तान और शिवसेना के बीच महा भिड़ंत हो गई है और आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस भिड़ंत का नजारा देखकर लोग काफी चौंके हैं। दरअसल पटियाला में दो गुटों में पथराव के बाद तनाव का माहौल काफी ज्यादा हिंसे से भरा नजर आया है। शिव सैनिक और खालिस्तान समर्थक मौके पर पुलिस बल तैनात जो थी वहां पर आपसी झड़प के कारण चर्चा का विषय बन गए। स्थिति काफी हैरान कर देने वाली सामने आई। जी हां, महाराष्ट्र से मामला पंजाब की पटियाला तक पहुंच गया। पटियाला में शिवसेना कार्यकर्ताओं की ओर से पहले तो खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान ये झड़प हुई। कई सिख संगठन और हिंदू कार्यकर्ता भी तब शिवसेना से आमने सामने होकर भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले के सुलझाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। तलवारों के साथ यहां पर पथराव भी शुरू किया गया, तलवार लहराई गई, शहर में माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। और आपको बताना चाहेंगे, पंजाब में शिवसेना कार्यकर्ता और खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ जो थी काली माता मंदिर के पास भिड़ंत की वजह से चर्चा में थी। हालत काफी ज्यादा शहर के हंगामे से भरे नजर आए, जिसकी वीडियो हम आप सबके बीच लेकर आए हैं और आप इस वीडियो में देख सकते हैं स्थिति किस तरह की है। बता दें हम आपको, शिवसैनिक कार्यकर्ता खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और हरीश सिंगला ने कहा शिवसेना कभी पंजाब में खालिस्तान नहीं बनने देगी और ना ही किसी खालिस्तान का नाम लेने देगी। और ऐसे में सिख संगठन भी तलवारें लहराते हुए सड़क पर आ गए, जिसके बाद जमकर दोनों के बीच झगड़े हुए। पुलिस भी मुस्तैद थी ऐसे मौके पर और पुलिस ने अनहोनी की आशंका के मद्देनजर शिव सैनिकों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी थी और तो और तभी बल प्रयोग किया गया पुलिस की तरफ से इस हिंसे को रोकने।